कल तक तेरा मेरा, वहां आज रिश्तों का सौदा होने लगा, चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे, अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश, इस जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश। क्या बात है पूर्वा, तुम बहुत गुस्से में लग रही हो। ये बात जाकर आप नानी माँ से पूछिए। क्यों, उन्होंने कुछ कहा तुमसे? कुछ कहा? उन्होंने मेरी बेइज्जती की, और वो भी कामया भाभी के सामने। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, जो मुझ पर बीती वही बता रही हूँ। मैं कामया भाभी से ये सवाल पूछने गई थी कि उनको क्या हक है कि वो एक गैर मर्द को इस घर में ला कर रखे, और नानी माँ आई मुझ पर ही भड़कने लगी, कहने लगी कि तुम कौन होती हो ऐसा सवाल पूछने वाली। बिल्कुल सही कहा मैंने। देखा, सुन लिया आपने? आपके मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा मंदिरा। पूरा बेटी, तुम्हें मेरी बातें बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहती हूँ। करने दो कामया को जो करती है। अरे हमारे लिए तो और भी अच्छा है, अगर कामया कुछ गलत करेगी तो उन लोगों की नजरों में गलत साबित होगी जो उसे शरीक समझते हैं, और फिर कानून भी ऐसी बातों को गौर से देखने की कोशिश करता है। अरे पति के रहते गैर आदमी को घर में रखना, ये तो कामया के खिलाफ कानून की नजरों में और भी ठोस सबूत होगा। पूर्वा, अब तुम्हें मामा की बात समझ में आई? वही मैं सोच रही थी कि मामा तुम्हें क्यों डांटेगी, वो भी उस कामया के। मैं ये सब नहीं जानती, कल क्या होने वाला है मैं ये नहीं देखती, बल्कि मैं ये देखती हूँ कि आज इस वक्त क्या हो रहा है। और अगर ऐसी ही कोई बात थी तो नानी माँ को मुझे अकेले में ये बात समझानी चाहिए थी, उनको कामया के सामने मेरी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी। मैं जानती हूँ कामया भाभी ने इस वक्त जो कुछ भी देखा, उनको तो मेरा मजाक उड़ाने का मौका मिल गया, और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, कभी नहीं। हाँ विक्रम जी, मुझे पता है वो लोग घर पे रहने आए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे पायल का उस घर में रहना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। साहिल को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन विक्रम जी, दूसरों पर भरोसा नहीं किया जाता। तैमा, वैसे तनु ने क्या कहा? छोटी दुल्हन क्या कहेगी, वो तो सबको अपनी तरह समझती है। वैसे मुझे पता है हमारी छोटी दुल्हन और हमारे साहिल जैसे सब लोग नहीं हो सकते। मैं ये नहीं कह रही वो लोग गलत हैं, लेकिन फिर भी एक बार तसल्ली करना चाहती हूँ। आप क्या चाहती हैं? बस मैं इतना चाहती हूँ आप एक बार उस घर में जाकर खुद अपनी आंखों से देख लें, उन्हें समझने की कोशिश करें कि वो लोग वाकई में किसी मुसीबत में है, या मुसीबत का बहाना लेकर वो कोई फायदा उठाने आए। ठीक है दाइमा, मैं जाकर पता करता हूं। कैसी कश्मकश,
कश्मकश। तो आगे क्या इरादा है भाई? इरादा क्या, सोचा था इस शहर में कुछ कर लूंगी और आपने नौकरी भी दे दी। कैसा लगा मेरा ऑफिस? हम गरीबों के लिए तो वो जगह स्वर्ग से कम नहीं है। प्लीज ये सारी बातें मत किया करो, गरीब अमीर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, और ये सारी तो किस्मत की बातें होती। ठीक है, नहीं करूंगी। लेकिन साहिल, एक बात मुझे खल रही है, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मैं अपने रहने का इंतजाम कर लूं। तो फिर एक काम करो पायल, तुम घर के साथ साथ अपनी नौकरी का भी इंतजाम करो। हाँ, मैंने इरादा बदल दिया है, जब रहने का इंतजाम करी तो फिर कर लो ना सब कुछ। हर बात पे आप नाराज होते हो। देखो साहिल, मैं सच के साथ जीना चाहती हूँ, मुझे अपना सच पता है। मैं कब कह रहा हूँ तुम्हारा सच तुम नहीं जानो, लेकिन ये सारी बातें मुझे नहीं बताओ, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब सुन के। ठीक, नहीं बताऊंगी। अच्छा बताओ, गांव जाने का इरादा है कि नहीं? गांव नहीं। पायल ये बात क्या है, मैं जब भी गांव की बात करता हूँ तो तुम एकदम से घबरा क्यों जाती हो? नहीं, लेकिन अब गांव की बात मत कीजिए, क्योंकि गांव की बात आते ही मुझे मेरी माँ की याद आती है। चले घर चलते हैं। अरे पापा, तनु। बेटा तनु की फिक्र मत करो, डायम महल उसके पास। क्या है, मुझे वो ऑफिस में कुछ जरूरी काम था इसके लिए आना पड़ा। साहिल, पापा ये पायल, तनु के पापा। नमस्ते अंकल। जीते रहो बेटा। आप लोग बातें कीजिए, मैं चाय लेके आती हूँ। ये लोग यहाँ पर? जी पापा, दरअसल जब मैं मुसीबत में था तब इन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, और शायद इन्हीं की वजह से आज मैं जिंदा हुई। और अब जब ये लोग मुसीबत में हैं तो इनकी समझ लीजिए मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटा, तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं खुद इनका एहसान, मैं मानता हूँ कि इनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से अपने ही घर में। पापा, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन इन दुनिया वालों पर नहीं। तुम तो हर वक्त मौके की तलाश में रहते हैं। दुनिया वालों की फिक्र आप क्यों करते हैं, उन्हें कभी कुछ भी कहने का मौका नहीं मिलेगा, और वैसे भी ये लोग ज्यादा दिन थोड़े ना रहने वाले हैं यहाँ पर। बेटा बुरा मत मानना, मैं ये ठीक है। थैंक यू। सारी जनों को पापा, वाकई ऑफिस के काम से आए थे? बेटा, मैं भूल गया था कि तुम बहुत समझदार हो। क्या करूं, एक बेटी का बाप डरना लाजमी। मैं समझ सकता हूं पापा, लेकिन ये कभी मत भूलिएगा कि मैंने आपको एक पिता का दर्जा दिया है, लेकिन आप फिर भी मुझे समझ नहीं पाए। नहीं नहीं बेटा, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। क्या करूं बेटा, तनु ने जिंदगी में बहुत सारे दुख देखे,
मैं नहीं चाहता कि अब जबकि उसकी जिंदगी में खुशियां आई हैं, कहीं फिर से कोई तूफान आ जाए। फिक्र मत कीजिए पापा, ऐसा कभी नहीं होगा। भैया अगर एक तरह से देखा जाए तो कामयाब भाभी भी गलत नहीं है। उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद कोई भी बदला लेने की जरूर सोचता। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया आदित्य। काम्या ने जो भी बातें बताई हैं वो सब एक कहानी, झूठी कहानी। मैं तो वहां मौजूद था नहीं, इसलिए मेरे लिए तय करना मुश्किल है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। चलो ठीक है, तुम भी मुझे ही झूठा मान लो। वैसे भी आज तक लोग मुझे ही गलत समझते हैं। वो और बात है आदित्य, कि ऐसे बहुत कम मामले हैं जिनमें मैं सचमुच शामिल हूं। भैया मैं साहिल भैया का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन ये बात तो आपको माननी ही होगी कि उस परिवार के साथ आपने नाइंसाफी की है। नाइंसाफी नहीं आदित्य, तुम इसे दुश्मनी जरूर कह सकते हो। दरअसल नाइंसाफी तो हम लोगों के साथ हुई है। साहिल की मां ने मॉम को धोखा दिया था। दुश्मनी की शुरुआत वहां से हुई। उसके बाद जब मेरी शादी तनु के साथ होने वाली थी तो साहिल बीच में आ गया। आदित्य मैं भी इंसान हूं, मेरे पास भी दिल है, और जब दिल टूटता है ना तो दर्द तो होता ही है। वो और लोग होते हैं जो अपने दर्द को दबा लेते हैं, उसे सह लेते हैं। मैं नहीं सह पाया। वो जो कुछ भी हो भैया, लेकिन और भी ऐसे मामले हैं जिनमें आपका नाम है। ये सब कुछ कामिया का किया धरा है। सिंघानिया के कत्ल की साजिश में मुझे फंसाने वाली कामिया है। जहां तक बिहारी के कत्ल का मामला है तो उसकी कातिल भी कामिया की मां है। वो और बात है कि तुम ये सब बातें जानते हो, लेकिन फिर भी तुम मुझसे सवाल पूछ रहे। हाँ, कुछ बातों की जानकारी है मुझे। इतना तो मुझे भी पता है कि कुछ इल्जाम आप पर बेवजह लगाए गए हैं, इसलिए तो आपके साथ बैठकर बात कर रहा हूं। आदित्य मैं तुमसे नाराज था, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने उन लोगों का साथ दिया जो अक्सर मेरे लिए दुश्मन थे। मैं ये नहीं कहता कि तुम उन लोगों का साथ मत दो। तुम्हारे जो दिल में आता है तुम वो करो, क्योंकि हर किसी का सोचने का अपना अपना ढंग होता है। दूसरों की बात लेकर हम चाहे एक दूसरे से जितने भी दूर रहे हैं, लेकिन बात जब अपनों पर आती है तो हम हमेशा करीब रहेंगे, हमेशा। लगता है आपको याद आ गया कि अपन कौन है। अपन इधर आया नहीं है, लाया गया। जब मैंने तुम्हें पैसे दे दिए थे तो फिर धोखा देने का मतलब? लाखों की बात करता है लाखा, ये तो पता है ना। लेकिन अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब उन पैसों के लिए काम करता है। कामया मैडम ने अपन को पैसे दिया, अब अपन उसके लिए काम करते हैं। काम क्या करना है ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। वो तुम्हारे सहारे मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखना अपन का काम नहीं है, अपन सिर्फ पैसा देखता है। तो तुम एक ही काम में दोहरी कमाई करने की कोशिश कर रहे हो। पहले तुमने पैसा लेकर मेरा काम किया और अब उसी काम के सहारे मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। लाखा ये ठीक नहीं है। लाखा को ये कोई नहीं बताता कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत। अपुन ये काम कर रहा है मतलब सही कर रहा है। तुम ये अच्छी तरह से जानते थे कि मैं तुम्हारे पास सौदा करने जरूर आऊंगी। काम की बात कीजिए मैडम।
तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमारी दौलत धोखे से हड़प ली गई है। मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ इंतजाम कर दूंगी। लाखों की बात करता है लाखा, ये तो पता है। अच्छी तरह से पता है। ठीक है, कोशिश करती हूँ कि तुम्हें इतने पैसे दे दूं कि तुम काम्या की बजाय मेरी भाषा में बात करने लगो। लेकिन इतना याद रखना, पैसा मिलने के बाद मुझे फिर से धोखा देने की कोशिश मत करना। धमकी नहीं मैडम, धमकी नहीं। पैसे का इंतजाम करो, अपन तुम्हारा काम करेगा। पूर्वा, हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई है जिससे हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। फिर तुम मेरे साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव क्यों करते हो? नहीं भाभी, मैं ऐसी कोई कोशिश नहीं करती हूँ। पर हाँ, शायद हम दोनों के सोचने का तरीका थोड़ा अलग है, इसीलिए हम दोनों की बनती नहीं। नहीं, हम इसलिए लड़ते हैं क्योंकि तुम दूसरों के कहने पर चलती हो। प्लीज पूर्वा, उन्हें समझने की कोशिश करो। भाभी, बेशक मैं उस परिवार की छोटी बहू हूं, पर उस घर में आई आपसे पहले थी। इतना ही नहीं, जिस परिवार में मैं बहू बनकर आई हूं उसे मैं बचपन से जानती हूं। इतना ही समझ पाई हो अपने परिवार को? अरे, जिन्होंने तुम्हारे साथ इतना अन्याय किया, तुम उनसे प्यार की उम्मीद करती हो? नहीं, मैं बस अपने घर को संवारने की कोशिश कर रही हूँ। गलत कोशिश कर रही हो तुम। हालांकि मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम मुझसे जो नफरत करती हो उसकी वजह सिर्फ प्रॉपर्टी है। तुम सारी प्रॉपर्टी पाना चाहती हो। हाँ, मैं जानती हूँ पूर्वा, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ। मुझे प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है, मैं इस घर में सिर्फ अपना बदला लेने आई थी। जो मैंने ले लिया है, अब तुम ही सोचो ना, इस घर में रहूं भी तो किस लिए रहूं? अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए? मैं बहुत उब चुकी हूँ। तुम जब कहो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगी और इस घर से चली जाऊंगी। लेकिन जाने से पहले मैं मयंक, मंदिरा और देवयानी को ऐसी हालत में देखना चाहती हूँ कि ना तो उनके पास दौलत हो और ना ही उनकी कोई आंसू पोंछने वाला। आप सच कह रही हैं, झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है मेरे पास। पूर्वा, वो लोग गलत हैं, उन्हें उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। अगर हम दोनों एक साथ हो जाएं, तो उन्हें हम ऐसा सबक सिखा सकते हैं जो वो जिंदगी भर याद रखे। कहो, तुम मेरा साथ दोगी ना? ठीक है, अगर आप इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट कर ही रही हैं, तो मैं मान लेती हूँ। लेकिन मैं अभी आपका खुले तौर पर साथ नहीं दे सकती। वो इसलिए क्योंकि अगर मामा और नानी माँ को इस बात का पता चल गया कि हम दोनों एक साथ मिल गए हैं, तो उनको बहुत बुरा लगेगा। वो नाराज हो जाएंगे और उनकी नाराजगी आदित्य को बुरी लगेगी। ठीक है, ये बात हमारे ही बीच रहेगी। हाँ, और अब हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी, पर सिर्फ दिखावे के लिए। अब मैं चलूं, बाय बाय। Oh,
महोत्सव में प्रस्तुत है भारतीय सिनेमा के 100 साल। ये दिन क्या आए लगे फूल हंसने, देखो बसंती बसंती होने लगे मेरे सपने। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। प्रस्तुत करता लक्स टॉयलेट सोप, बस जरा सा लक्स।